कटंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम महदूली में खेत में कृषि कार्य कर रहे किसान की बिजली के तार के करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। इस दुर्घटना में किसान के पिता भी झुलस गए। मिली जानकारी अनुसार बता दें कि महदूली निवासी 50 वर्षीय हेमराज पिता उदयलाल ठाकरे की बिजली के तार की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं दुर्घटना के बाद अपने बेटे को बिजली के तार से हटाते वक्त उदयलाल ठाकरे के हाथ भी झुलस गए। मृतक के पुत्र ने इस दुर्घटना के लिए गांव के ही किसान दौलतराम परिहार को दोषी बताया है। उन्होंने कहा कि इनकी लापरवाही की वजह से ही यह हादसा हुआ है। अगर दौलतराम परिहार बिजली के तार को व्यवस्थित कर लेते तो यह हादसा नहीं होता। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि दौलतराम परिहार ने टीसी कनेक्शन नहीं लिया था, बल्कि लाइनमैन से साठगांठ कर अवैध तरीके से कनेक्शन चला रहा था। वहीं इसी संबंध में जब सहायक अभियंता से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि अवैध तरीके से कनेक्शन चल रहा था। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। बता दें कि दौलतराम परिहार ने अपने खेत में सिंचाई के लिए तालाब से पानी लाने के लिए बिना विभागीय कनेक्शन के लिए अवैध तरीके से बिजली का तार बिछाया था, जिसका तार टूटकर फूलचंद ठाकरे के खेत में अधियादार किसान हेमराज की गर्दन पर आकर गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब इस घटना के बाद बिजली विभाग की कार्य प्रणाली पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कटंगी से मनीष चौक से। गांव वाले परियार जी ने कनेक्शन लिए हैं टीसी, उनका अर्थिंग वायर टूट गया तो वो सीधे यहाँ गले को काट दिया। क्या नाम है परियार जी का? पिताजी का नाम हेमराज ठाकरे। कितने वक्त की घटना है ये? 12 बजे की, 12:15 बजे। आपको क्या संदेह लग रहा है इस घटना में? इस घटना में थोड़ा सा परियार जी ने अपने वायरिंग को ठीक करवाना था। आपको लग रहा है कि लापरवाही की वजह से? हाँ, लापरवाही की वजह से घटना हुई। परियार जी का पूरा नाम क्या है? दौलतराम परियार। कहाँ के रहने वाले हो? महदौली के। और ये घटना कहाँ घटी है? महदौली में। इसके यहाँ का दिया करते थे आप लोग? फूलचंद ठाकरे की।